हमने आपको कार टोकनाइजेशन रूल के बारे में बताया था, जिसकी गाइडलाइन आरबीआई की तरफ से जारी की गई थी। इस गाइडलाइन के मुताबिक इस टोकनाइजेशन सिस्टम को 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाना चाहिए था, पर अब इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीने तक के लिए। ऐसा क्यों किया गया है ये भी आपको बताएंगे, पर पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कार टोकनाइजेशन रूल आखिर है क्या। तो कार्ड पर आरबीआई के नए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो ये कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम है, इसके बिना अभी ट्रांजैक्शन कैसे होती है पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए अमेज़न से हेडफोन्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमने मंगवाने हैं, तो जो लोग कार्ड से पहले ही प्री पेमेंट करते हैं वो इस बात को जानते होंगे कि उसमें आप अगर एक बार कार्ड ऐड कर लेते हैं तो फिर आपको कार्ड की पूरी डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ CVV आपको डालना होता है। इससे होता ये है कि आपके कार्ड की डिटेल जो है, लाइक कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट, ये डाटा आपका जहाँ से भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, कार्ड की डिटेल आप डालते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है या कोई भी दूसरा ऐप जो है, उसकी वेबसाइट पर जब आप ये कार्ड की डिटेल डालते हैं तो ये डिटेल स्टोर हो जाती है, जिसके बाद आपको कार्ड की बहुत ज़्यादा कोई डिटेल नहीं डालनी होती। और अब जब आप दोबारा शॉपिंग करते हो तो सब CVV आपका मांगा जाता है। अब इससे प्रॉब्लम ये है कि आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि डोमिनोज वालों की साइट से कई लोगों की कार्ड की डिटेल जो है वो लीक हो गई है। तो जब ऐसी वेबसाइट आपके कार्ड की डिटेल को स्टोर करती है तो उससे आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होने का डर बना रहता है। इसीलिए ही RBI ने सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए टोकनाइजेशन सिस्टम लाने की जो है जरूरत थी। अब इस टोकनाइजेशन सिस्टम को लागू किया जाना था नए साल से, यानी कि 1 जनवरी 2022, पर अब क्योंकि कई कंपनियां इस टोकनाइजेशन सिस्टम के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है, इसीलिए कंपनीज ने RBI से इस सिस्टम को पूरी तरीके से लागू करने के लिए कुछ और वक्त मांगा, जिसकी वजह से अब टोकनाइजेशन सिस्टम की डेट को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इस टोकनाइजेशन सिस्टम को जब लागू कर दिया जाएगा तब पेमेंट करने में क्या चेंजेस आने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जब आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं जहां से आप प्री पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए जब आप अपना कार्ड नंबर डालेंगे तो उस पर एक कोड जनरेट होगा जो कि मैसेज के थ्रू आपको मिलेगा। फिर आपको उस कोड को अपना पेमेंट पूरा करने के लिए उसकी वेबसाइट पर डालना होगा, जो कि आपके कार्ड नेटवर्क, जो भी कार्ड नेटवर्क आप यूज़ कर रहे होंगे, लाइक मास्टर, वीज़ा या कोई भी और, उसके साथ भी ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा, जिससे कि पता चलेगा कि पेमेंट राइट पर्सन के कार्ड से और राइट कार्ड के थ्रू हुई है। अब इससे होगा क्या, एक तो आपकी कार्ड डिटेल जो है वो किसी भी वेबसाइट पर सेव नहीं होगी, और ये और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि आप जब जब किसी साइट पर पेमेंट करेंगे तब तब आपको एक नया कोड पेमेंट के लिए मिलेगा जो आपके डाटा को सिक्योर करेगा। तो यहाँ पर होती है हमारी इन्फॉर्मेशन खत्म। हमें कमेंट कर बताएं कि आपको RBI का ये टोकनाइजेशन सिस्टम जो है वो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगले नोटिफिकेशन के लिए, और तब तक यूज़ करते रहिए क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।